हेलो। टैक्सोनॉमी पे जो हम लोगों की चर्चा चल रही है उसमें आज हम लोग थोड़ी प्रगति और करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको टैक्सोनॉमी की जो फंडामेंटल्स थी उन पे हमने बातचीत की थी। चैप्टर का नाम जो है वो लिविंग वर्ल्ड है, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट नंबर 1। लेकिन इस चैप्टर में अपार्ट फ्रॉम बीइंग अलाइव वाला जो हिस्सा है वो इसी चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन उसके अतिरिक्त बाकी जो बातें हैं उसमें जो तमाम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं टैक्सोनॉमी की उनको इसमें शामिल किया गया है। और हम लोगों ने पिछला लेक्चर उसी पे डिवोट किया था जिसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि टैक्सोनॉमी क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, स्पीसीज बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के बेसिस पर हमने स्पीसीज को भी एक्सपैंड किया था। और उसके अतिरिक्त हमने बेसिक जो पैटर्न क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन का जो था उस पर हमने चर्चा की थी। आज जो चर्चा हम लोग करेंगे वो चर्चा होने जा रही है बायोसिस्टमेटिक्स पे, और उसके साथ साथ जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन से लेकर के सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन तक जो आए टाइम टू टाइम उन पे हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि एलेबोरेशन हम लोग करेंगे सिर्फ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब इसमें सबसे पहली बात बायोसिस्टमेटिक्स, बायोसिस्टमेटिक्स को जस्ट आपकी किताब ने रेफर किया है, इस पर कोई बहुत विस्तार नहीं, हम भी कोई ज़्यादा विस्तार आपको नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी सी बातें ज़रूर हम लोग देखेंगे जो कि आपकी बुक के रिस्पेक्ट में उसका जो कवरेज होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और बायोसिस्टमेटिक्स के बारे में हमने रेफर तब किया था जब मैंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बताया था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताते वक्त मैंने आपसे ये बात कही थी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, और फाइलोजेनी का मतलब था कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज। तो जो तमाम स्पीसीज थे जिनकी फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं अलग अलग तरीकों से, उसको अगर आधार बना करके हम कोई वर्गीकरण करते हैं तो उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जो तथ्य एम्फेसाइज होना चाहिए वो ये कि हर स्पीसीज इवॉल्व करता है, देयर इज इवोल्यूशन इन एवरी स्पीसीज। जो नहीं इवॉल्व करते हैं वो फाइनली फसिल हो जाते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो फसिल नहीं कहें ये कहेंगे कि दे विल बिकम एक्सटिंक्ट इफ दे हैव स्टॉप्ड इवॉल्विंग। जो इवॉल्व नहीं करेगा दैट विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है वो इस बात से इनकार करता है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी ये बात मानता है कि जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कांस्टेंट हैं, फिक्स है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। रियलिटी ये है कि जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे अंडरगो चेंज, उनमें चेंजेस होंगी। और ये चेंजेस किसकी वजह से होंगी, तो देखो जो भी चेंजेस होते हैं आइदर दे विल बी इंड्यूस्ड बाय एनवायरनमेंट और दे विल बी इंड्यूस्ड ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। हम लोग यहाँ पे जो बातचीत करेंगे वो बातचीत होगी जेनेटिक वेरिएशन की। आपको ये पता है कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है, और जेनेटिक वेरिएशन के कारण डिसकंटिन्यूटी अपीयर कर सकती है विद इन द पॉपुलेशन और बिटवीन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बीच में या पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन डिसकंटिन्यूटी को जन्म दे सकते हैं। और ये डिसकंटिन्यूटी में सच काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सर्व एज बेसिस फॉर टैक्सोनॉमिक सिस्टम्स जिसके अंदर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारे पास एक आधार चाहिए, आधार किसका, कि भाई एक जो पार्टिकुलर ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से अगर डिफर कर रहा है, और इस डिफरेंस का आधार क्या है, जेनेटिक वेरिएशन जिसने किसी डिसकंटिन्यूटी को जन्म दिया। तो जो डिसकंटिन्यूटी डेवलप करेगी ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन दैट मे सर्व एज ए बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। और अगर हम उसको आधार बना करके वर्गीकरण करते हैं तो ये जो नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो होगा, इसी नए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग नाम देते हैं बायोसिस्टमेटिक्स या मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जीनोनॉमी, जीनोइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी एंड सो ऑन। इसमें जो बायोसिस्टमेटिक्स होगा उस बायोसिस्टमेटिक्स में जो मेन पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए वो ये कि जहाँ क्लासिकल टैक्सोनॉमी फिक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर्स, या जिसको ऐसे कहें कि वो ये मानता है कि जो तमाम कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स फिक्स हैं, दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ चेंज, जबकि फैक्ट ये है कि इवोल्यूशन टेक्स प्लेस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन कैरेक्टर्स कांट बी फिक्स, दे वुड डेफिनेटली चेंज। तो ये जो वेरिएशन जो आएगा
मिलेगा। अगर ये जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन है तो ये डिसकंटिन्यूटी को जन्म दे सकते हैं, और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम आधार बना के वर्गीकरण भी कर सकते हैं। और ये जो न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसी को हमने कहा कि ये बायोसिस्टमेटिक्स या अन्य जो भी नाम आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं वो यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया। जो बायोसिस्टमेटिक्स के जो अलग अलग कैटेगरीज होने जा रही हैं उसमें आप इको टाइप को लेकर के देखेंगे, इको स्पीसीज, सीनो स्पीसीज और कंपेरियम, ये अलग अलग हिस्से आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें सबसे पहली जो बातचीत आप लेकर के देखेंगे वो सबसे पहली बातचीत होने जा रही है किसकी, इको टाइप की। तो देखो जो इको टाइप होता है उस इको टाइप को हम लोग कभी भी कहते हैं कि ये जेनेटिकली एडेप्टेड लोकल पॉपुलेशन है। व्हाट डज इट मीन, ये चार शब्द बोलना बड़ा आसान काम है लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे तो आप इसको समझ भी लेंगे। देखो जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट या ऐसे हम स्पीसीज कहें कि जो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज होगा, जो लिनियन स्पीसीज होगा, वो अगर कोई एक ऐसी स्पीसीज जिसका बहुत ही वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बहुत ही वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्लांट स्पीसीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, अब डेफिनेटली आपको इतनी समझ तो जरूर है कि जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में होने जा रही हैं, जिस तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन वहां पे मौजूद होगा, एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस वुड नॉट बी देयर इन तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु और केरला में जैसी परिस्थितियां हैं वैसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो अगर हम पूरे अपने पूरे देश में किसी एक स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के देखें, मान लें कि वो स्पीसीज इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लगभग हर ज्योग्राफिकल एरिया में उसके अलग अलग पॉपुलेशन पाए जा रहे हैं, तो इतनी समझ तो कोई भी बंदा रखता है कि डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एडेप्टेशंस बीइंग शोन बाय पार्टिकुलर पॉपुलेशन वुड डिफर। जो एडेप्टेशन पार्टिकुलर पॉपुलेशन के द्वारा इन पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया शो किया जाएगा वो उसका अपना यूनिक एडेप्टेशन होगा। जम्मू कश्मीर के पौधे जिस तरह का एडेप्टेशन दिखाएंगे, जम्मू कश्मीर में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स का पॉपुलेशन होगा उसमें जिस तरह का एडेप्टेशन दिखने जा रहा है, दोज एडेप्टेशंस वुड बी यूनिक फॉर दैट पार्टिकुलर कंडीशन एंड सच एडेप्टेशन वुड नॉट बी फाउंड इन द मेंबर्स विच आर फाउंड विच एग्जिस्ट इन तमिलनाडु और केरला। तो जो तमिलनाडु और केरला की परिस्थितियां होंगी उसके अकॉर्डिंगली जो एडेप्टेड होगा वो वहां का लोकल लेवल का एडेप्टेशन उसका जो होगा, तो इस तरह का लोकल पॉपुलेशन जो होगा जो सर्टेन एडेप्टेशंस दिखा रहा है, लेकिन शर्त वहां पे एक चीज और भी मैंने लगाई है कि सच एडेप्टेशन शुड बी जेनेटिकली, दैट शुड हैव ए जेनेटिक बेसिस, उस एडेप्टेशन का जेनेटिक बेसिस होना चाहिए, यानी जेनेटिक एडेप्टेशन उसको दिखाना चाहिए। जेनेटिक वेरिएशन एडेप्टेशन दिखाने का मतलब होगा कि वो हेरिटेबल होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन कोई भी होता है तो पार्टिकुलर कंडीशन में वो एडेप्टेशन दिखेगा, द मोमेंट वो पार्टिकुलर कंडीशन गया तो एडेप्टेशन भी क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो जो हेरिटेबल होगा यानी उसका जेनेटिक बेसिस है, और वेदर कंडीशन जैसा भी हो उनमें किसी तरह का बदलाव अगर वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जेनेटिक आधार उसका है, तो डेफिनेटली वो एडेप्टेशन परसिस्ट करेगा। तो इस तरह का जो पॉपुलेशन होगा, जिस पॉपुलेशन में आप पार्टिकुलर टाइप ऑफ एडेप्टेशन देखिएगा विथ जेनेटिक बेसिस, उसी को आप कहेंगे कि ये क्या है, इको टाइप है। उसी को आप कहने जा रहे हैं कि ये क्या होगा, तो दैट विल बी इको टाइप। तो इको टाइप में मैंने जो बात आपको कही वो बस यही है कि ये लोकल पॉपुलेशन होगा जेनेटिकली अडेप्टेड, इसको हम लोग कहेंगे कि इट विल बी ए लोकल पॉपुलेशन विच इज जेनेटिकली अडेप्टेड। लेकिन क्या जो एक इको टाइप होगा वो क्या एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, आंसर इज दैट कि नहीं, ये एक अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये जो होगा दूसरे इको टाइप के साथ इंटरब्रीडिंग करेगा और इस इंटरब्रीडिंग की वजह से फर्टाइल हाइब्रिड्स भी फॉर्म करेंगे। तो भले ही वो जेनेटिकली अडेप्टेड हैं बट दे डो नॉट रिप्रेजेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज या जो दूसरा टैक्सोनॉमिक स्पीसीज को वो रिप्रेजेंट नहीं करते। इको टाइप से बड़ी कैटेगरी जो होगी उसको हम लोग इको स्पीसीज कहेंगे। तो बायोसिस्टमेटिक्स के लिए आप लेकर के देखिएगा तो जो बेसिक यूनिट होगी वो इको टाइप होगा। इको टाइप पर एक बार और आप बातचीत करेंगे तब जब आप 12th में इकोलॉजी
इकोलॉजी देखेंगे। इकोलॉजी में भी हम लोग इकोटाइप पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन यही बात वहाँ पे भी होगी जो मैंने अभी आपको समझाई। तो बेसिक यूनिट इन बायो सिस्टमेटिक्स इज इकोटाइप, एंड दैट इज एक्चुअली जेनेटिकली अडेप्टेड लोकल पॉपुलेशन। और एक इकोटाइप दूसरे इकोटाइप के साथ इंटरफर्टाइल होगा, वो इंटरब्रीड करेंगे एंड दे विल बी प्रोड्यूसिंग फर्टाइल हाइब्रिड्स। अब इसके बाद इन एक या एक से ज़्यादा इकोटाइप मिल करके इको स्पीसीज बनाएंगे। तो जो इको स्पीसीज होगा दैट विल बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द टैक्सोनॉमिक या लिनियन स्पीसीज, टैक्सोनॉमिक या लिनियन स्पीसीज को वो रिप्रेजेंट करने जा रहा है। इसके बाद जो इको स्पीसीज, एक या एक से ज़्यादा इको स्पीसीज का क्लस्टर जो होगा, उसका जो समूह होगा, उसको सीनो स्पीसीज कहेंगे, प्रोवाइडेड उनकी इवोल्यूशन, उनका जो ऑरिजिन हो वो आइडेंटिकल हो। और उसके लिए एक्सपेरिमेंटल आधार होना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल बेसिस भी होनी चाहिए। तो इकोटाइप इज एक्चुअली लोकल पॉपुलेशन, क्लस्टर ऑफ इकोटाइप इज इको स्पीसीज जो कंपेरेबल होगा लीनियन स्पीसीज से, और इको स्पीसीज से बड़ी कैटेगरी जो हो गई बायोसिस्टमेटिक्स में दैट विल बी सीनो स्पीसीज, और सीनो स्पीसीज जो बड़ी कैटेगरी होगी दैट विल बी कंपेरेबल टू जीनस ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमी या लिनियन टैक्सोनॉमी। जो वहाँ पे जीनस होता है वो यहाँ पे कंपेरियम होगा, एंड कंपेरियम इज गोइंग टू हैव वन और मेनी सीनो स्पीसीज। ये कैटेगरीज हैं। मैं आपसे कहूँगा कि इतनी बात बायोसिस्टमेटिक्स में ज़रूर आप याद रखें। अब यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइम टू टाइम अलग अलग समय बायोलॉजिस्ट ने तमाम लिविंग बींग को क्लासीफाई करने की कोशिश की, और इसमें जो सबसे पहला प्रयास आप देखेंगे, जो सबसे सिंसियर या जो सबसे पहला साइंटिफिक एफर्ट लिया गया, दैट एफर्ट वाज मेड बाय लिनियस। और लिनियस ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमालिया में डिवाइड किया, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, एक प्लांटी दूसरा एनिमालिया। तो प्लांटी और एनिमालिया, हालांकि ये आज भी अधिकांश लोगों के लिए ये जो वर्गीकरण है आज भी वही वैलिड मानते हैं, उनके अनुसार ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हैं, और प्लांट अगर नहीं है तो दे आर एनिमल्स। लेकिन फैक्ट्स अब अलग हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा परसेप्शन, सामान्य आदमी का परसेप्शन यही है कि आइदर ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट और एनिमल्स। लेकिन खैर, लिनियस ने जो बात की उसमें प्लांटी के सदस्यों के रूप में उन्होंने बैक्टीरिया को उसमें रखा, बैक्टीरिया के अलावा एल्गी को रखा, फंजाई को रखा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड फिनरोगैम्स। फिनरोगैम्स जो होंगे बेसिकली सीड बियरिंग प्लांट्स होने जा रहे हैं, वो सीड प्रोड्यूस करने वाले पौधे होने जा रहे हैं। ऐसे पौधे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड जिनके पास होगा उन्हीं को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर देम एज फिनरोगैम्स। और ये जो फिनरोगैम्स होंगे उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल होगा। अब यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैंने उनको घेरा लगा दिया है, उनको हमने मार्क कर दिया है। मार्क इसलिए किया गया है कि उनको प्लांटी में शामिल रखने का कोई परफेक्ट बेसिस नहीं, ठीक है। और यही बात ड्रॉबैक में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ड्रॉबैक्स की बात अगर करें तो बैक्टीरिया, जो कि सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लांटी में शामिल करना ये सही नहीं था। फंजाई जो कि बिल्कुल एटोट्रॉफिक होंगे, आइदर दे विल बी सेप्रोट्रॉफ और दे विल बी पैरासाइट, ज़्यादा से ज़्यादा से मांट हो सकते हैं, लेकिन बट दे आर डेफिनेटली दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ। लेकिन उनको शामिल करना प्लांटी के साथ जो कि बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक होंगे, ये भी सही नहीं था। एक और बात कि जो स्ट्रक्चर होगा फंजाई का दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, प्लांट के स्ट्रक्चर से भी वो ड्रेस्टिकली डिफरेंट होने जा रहे हैं। फिर उसके बाद लाइकेन, जो कि दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा, उसको भी प्लांटी में रखना अपने आप में सही नहीं था। तो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद बात आई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की, दिस वाज प्रपोज्ड बाय हिकल, और उन्होंने प्लांटी और एनिमालिया के अलावा एक नया किंगडम उसमें डाला, एंड दैट वाज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हों, लेकिन ये जो सेल होगा प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, द सेल वुड बी यूकैरियोटिक। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखने वाला एक किंगडम क्रिएट किया गया, एंड दैट किंगडम वाज प्रोटिस्टा। नेचुरली प्रोटिस्टा क्रिएट करने का श्रेय हिकल को जाता है।
ओके अब ये इम्प्रूवमेंट किस मामले में था, तो इम्प्रूवमेंट इसी मामले में था कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया गया फ्रॉम प्लांटी एंड एनिमालिया। और रही बात कि ड्रॉबैक का कहाँ क्या इशू है इसके साथ, तो ड्रॉबैक की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक फॉर्म थे उनको यूकैरियोट के साथ मतलब प्लांटी के साथ अभी भी स्टिल रखा हुआ था। दूसरी बात कि जो फंजाई हैं उनको स्टिल प्लांटी के वो मेंबर थे। तो ये जो बड़े क्रिटिसिज्म थे स्टिल यहाँ पे भी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी ये जो समस्याएं थी स्टिल मौजूद थी। अब यहाँ के बाद एक आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एंड दिस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई कोपलैंड। एंड तीन जो किंगडम पहले से थे प्रोटेस्टा प्लांटी एंड एनिमालिया स्टिल दे आर प्रेजेंट, लेकिन उसके अतिरिक्त अब इसमें एक नया किंगडम डाला गया एंड दैट वाज मोनेरा। मोनेरा वाज इंक्लूडिंग एवरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो नेचुरली एक जो बड़ा क्रिटिसिज्म था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक समूह में रखा जा रहा है, इस क्रिटिसिज्म को फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में दूर कर दिया गया। ओके तो अब यहाँ पे सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखने वाला एक किंगडम था जिसे हम मोनेरा कह रहे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फॉर्म को रखने वाला एक किंगडम था जिसे हम लोग प्रोटिस्टा कह रहे हैं, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर जो होंगे उनको रखने वाला एक ग्रुप था जिसे हम लोग प्लांटी कह रहे हैं, और एनिमालिया में उसी तरह से मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक लेकिन होलोजोइक मोड दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म शामिल थे उनको एनिमालिया के अंदर रखा हुआ है, लेकिन फंजाई जो कि हेटरोट्रॉफ थे स्ट्रक्चरली जो कि प्लांट से बिल्कुल अलग थे स्टिल दे वेयर पार्ट ऑफ द किंगडम प्लांटी। ये समस्या दूर की गई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। आपकी जो पूरी सिलेबस है वो पूरी सिलेबस इसी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बनाई गई है, आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। तो दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय विटेकर और इसमें पांच जो किंगडम होंगे उसमें मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, प्लांटी होगा, एनिमालिया होगा, और जो बार बार हम लोग ड्रॉबैक पे संकेत कर रहे थे फंजाई फंजाई फंजाई, एक किंगडम और क्रिएट किया गया एंड द किंगडम वाज न्यू किंगडम वाज फंजाई। तो विटेकर क्लासिफिकेशन में ये नया किंगडम क्रिएट किया गया एंड दिस न्यू किंगडम वाज फंजाई, और इसको क्रिएट ही इसलिए किया गया कि एक हेटरोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो कि स्ट्रक्चरली प्लांट से बिल्कुल अलग है उसको हम प्लांट से सेपरेट कर सकें। बट दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सर्टेन इट्स बेसिस वेयर एज फॉलोज। पहली बात कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको पता है कि सेल दो ही तरह का हो सकता है, प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। अगर प्रोकैरियोटिक हैं तो उनके बारे में हमेशा एक लाइन याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट। जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होने का मतलब है उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, लाइसोसोम्स नहीं होंगे, वैक्यूल नहीं होंगे, माइक्रोबॉडीज नहीं होंगी, इस तरह की तमाम सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो होंगी वो गायब होने जा रही। नेचुरली सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रखने वाले जो सेल होंगे उनको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार था। उसके बाद जो दूसरा बेसिस लिया गया इस क्लासिफिकेशन के लिए एंड दैट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, तो उसकी बात अगर करें देन वी विल फाइंड कि ऑर्गेनिज्म दो ही तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म अगर यूकैरियोटिक है तो उसको आप यूनिसेलुलर में रखेंगे या फिर मल्टीसेलुलर होने जा रहा है। यूनि और मल्टी बताने की जरूरत नहीं है कि अगर एक कोशिकीय है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हुआ है यूनिसेलुलर कहेंगे, और एक से ज़्यादा सेल का जो बना होगा उन्हें हम लोग मल्टीसेलुलर कहेंगे। थर्ड वन वुड बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हमेशा आप लेकर के देखिएगा कि बेसिकली देर आर टू मोड्स। हालांकि सिम्बांड को सिम्बासिस भी थर्ड टाइप लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बट फैक्ट इज दैट कि न्यूट्रिशन को दो ही कैटेगरी में सामान्यतः बांटा जाता है, ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ को आप
आप अब ऐसे मत डिफाइन किया कीजिए कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले, ये अब आप कहते हैं तो ये सही नहीं लगेगा। अब आपको ये कहना चाहिए कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिड्यूस इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कार्बन को रिड्यूस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ले, वो ऑटोट्रॉप्स होंगे। एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट डू दिस वन, जो इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में नहीं बदल सकते हैं, उनको हम लोग हेटरोट्रॉफ कहेंगे। तो जो हेटरोट्रॉफिक होगा वो सेप्रोट्रॉफिक पैरासिटिक भी हो सकते हैं, या फिर वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप के इन ऑर्गेनिज्म का किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली इकोलॉजिकल रोल भी आपको इसमें दिखाई पड़ेगा, प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी कंसिडर किया गया। लेकिन जो प्राइमरी बेसिस होगा उसमें वही है कि नेचर ऑफ सेल कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, ऑर्गेनिजम्स बॉडी कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बात आपको कही कि उनका इकोलॉजिकल रोल क्या होगा और किस तरह का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वो दिखा रहे हैं, इनको भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन माना गया इस पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन के लिए। इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। इसमें आप लेकर के देखेंगे कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एवरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर मोनेरा। हालांकि मोनेरा को हम लोग मानते हैं कि दे हैव इवॉल्व फ्रॉम ए हाइपोथेटिकल ग्रुप जिसको प्रोजिनोट कहा जाता है। ये माना जाता है कि एक हाइपोथेटिकल ग्रुप था प्रोजिनोट जिसने प्रोकैरियोट्स को जन्म दिया, एंड एवरी प्रोकैरियोट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर दिस पार्टिकुलर किंगडम। और दूसरा जो किंगडम होगा उसको हम लोग प्रोटिस्टा कहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यूकैरियोट्स जो भी हैं उन यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमालिया है। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमालिया, ये तीनों ये चार जो किंगडम है ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। और दूसरी बात आप ये लेकर के देखेंगे कि ये जो प्रोटिस्टा होगा उस प्रोटिस्टा में ये यूकैरियोटिक तो होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक होने के साथ साथ ये यूनिसेलुलर भी होंगे। तो जो यूकैरियोटिक है लेकिन अगर यूनिसेलुलर है तो उसको प्रोटिस्टा बोलेंगे। जहाँ तक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सवाल है, ये बड़ा यूनिक है, यूनिक ग्रुप इस सेंस में है क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, मतलब जो अपना ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, और हेटरोट्रॉफ्स भी, और हेटरोट्रॉफ में भी ये पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक या होलोजोइक किसी भी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकता है। इसके बाद अगर मल्टीसेलुलर फॉर्म की बात करें तो इसमें प्लांटी, फंजाई और एनिमालिया, ये तीनों ग्रुप आएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो अगर प्लांटी की बात आप कर रहे हैं तो प्लांटी जो किंगडम होगा ये पहली बात है कि यूकैरियोटिक होगा, दूसरी बात है कि ये मल्टीसेलुलर होगा, और तीसरी बात कि ऑटोट्रॉफिक होगा। मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब होगा दे विल हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में रिड्यूस कर दे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सुगर में बदल दें, ये क्षमता उनके पास होने जा रही है। तो नेचुरली इस क्षमता को रखने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं कि दे आर प्रोड्यूसर्स। अब अगर आप इन फंजाई की बात करें तो फंजाई फिर वही बात कि ये यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, हालांकि ईस्ट वगैरह इसमें यूनिसेलुलर भी होगा लेकिन मल्टीसेलुलर फॉर्म होगा, और ये हेटरोट्रॉफ होंगे। हेटरोट्रॉफी में ये बेसिकली इसका हेटरोट्रॉफी का मतलब होगा कि इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलने की क्षमता इनके पास नहीं है, और ये किसी डेड ऑर्गेनिज्म से इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे सेप्रोट्रॉफ कहलाएंगे, या लिविंग प्रोटोप्लाज्म से इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर लेंगे तब उन्हें हम लोग पैरासाइट कहेंगे। सम ऑफ फंगल मेंबर्स मे बी सिम्बायोंट, कुछ उसमें सिम्बायोंट भी हो सकते हैं। एनिमालिया की बात करें तो फिर वही बात कि ये यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, हेटरोट्रॉफिक होंगे, लेकिन ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे, यानी दे विल इंजेस्ट फूड इन देयर बॉडी, वो अपने शरीर में भोजन को इंजेस्ट करेंगे, एंड दैट फूड वुड बी सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड लीडिंग टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आउटलाइन था, इसमें इनकी इकोलॉजिकल रोल भी बता दी गई कि प्लांटी को हम प्रोड्यूसर कहें, फंजाई को हम लोग डिकम्पोजर्स का नाम देंगे, हालांकि ये इकलौते डिकम्पोजर नहीं है, एन नंबर ऑफ मोनेरल्स आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स, और जो एनिमालिया होंगे उनको हम लोग कंज्यूमर में शामिल करने जा रहे हैं। तो ये एक समरी चार्ट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, और इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, और मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई जटिलता नहीं है।
ये डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन को भी इंडिकेट करता है। ये माना जाता है ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड तरीका है इवोल्यूशन को दिखाने का। इवोल्यूशन इतना सरल और सीधा नहीं है, लेकिन ओवरऑल आउटलाइन यही है इवोल्यूशन का। अब यहाँ से आप शिफ्ट करेंगे कि जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक है फाइव किंगडम को, उसको एक और बार यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसे अगर मोनेरा की बात करें तो हम सब लोग जान रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही किंगडम है एंड दैट किंगडम इज मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज देयर और बाकी जो प्लांट प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट और एनिमालिया है ऑल ऑफ देम आर हैविंग यूकैरियोटिक सेल। सेलवाल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेलवाल होगा, दैट विल बी पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन उसे कहेंगे, याद रखिए। हालांकि मोनेरा में तो डिटेल आप इसकी करेंगे। और इसमें पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड्स उपस्थित होंगे, इसमें पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड्स होने जा रहे हैं। यूकैरियोटिक की बात अगर यहाँ पे प्रोटिस्टा की बात करें तो ये कुछ केसेस में सेलवाल होगा, सब में सेलवाल नहीं होगा। जो डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होंगे वहाँ पे होगा, प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट जो होंगे वहाँ पे होगा, लेकिन प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में सेलवाल नहीं दिखेगा। फंजाई की बात करें, यस देयर विल बी सेलवाल, लेकिन ये सेलवाल जो होगा काइटिन का बना होगा। हालांकि ओमाइसिटिस, आगे जब फंजाई पढ़ाएंगे तो ये बात आपको बताई जाएगी कि उसमें एक ग्रुप होगा ओमाइसिटिस, उसका वाल सेलुलोजिक होगा। प्लांटी की बात करें तो यस देयर विल बी सेलुलोजिक वाल, एनिमालिया में सेलवाल नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोटिक सेल है तो डेफिनेटली उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर, सब में आप यहाँ पे भी प्रोटिस्टा को देखें तो सेलुलर होगा और बाकी जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। हालांकि इसमें फंजाई में लूज टिश्यूज दिखाई पड़ेंगे, इसमें टिशू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम दिखने जा रहा है। ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में दिखाई पड़ेगा और टिशू सिस्टम प्लांट में आपको दिखने जा रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि मोनेरा जो होंगे वो ऑटोट्रॉफ से लेकर के हेटरोट्रॉफ तक हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ में सेप्रोट्रॉपिक या पैरासिटिक दोनों तरह का फॉर्म हो सकता है। अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो अभी नाम से उसके स्पष्ट है, प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट या प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट वुड बी कंज्यूमर्स यानी हेटरोट्रॉफ होंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट सेप्रोट्रॉफ होने जा रहे हैं और फाइनली ये जो प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट होंगे ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने जा रहे हैं। प्लांटी की बात अगर करें तो आप लेकर के देखिएगा, मैं दोबारा रिपीट करूँ, शायद एक स्लिप हो गया है। फंजाई की बात करें तो हेटरोट्रॉफ होंगे और फंजाई के पहले प्रोटिस्टा के बारे में मैंने बातचीत की थी, मैं यहीं से दोबारा न्यूट्रिशन पे एक बार बात कर दूं। प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपसे ये कहा कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होगा। हालांकि हेटरोट्रॉफिक में मैंने दो कैटेगरी इसकी बता दी, मैं फिर तीनों तरह का प्रोटिस्टा बता करके न्यूट्रिशन को एक बार और एक्सप्लेन किए देता हूँ। प्रोटिस्टा में तीन कैटेगरी दिखाई पड़ेगी, एक को प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट बोलेंगे, तो प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट नाम से स्पष्ट है एटोट्रॉफिक होंगे, दूसरा डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होंगे ये सेप्रोट्रॉफ होंगे और तीसरा जो होगा वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट होंगे जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे, यानी भोजन को इंजेस्ट करेंगे, भोजन को डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और जो नहीं डाइजेस्ट होगा उसको शरीर से बाहर निकालेंगे। फंजाई हेटरोट्रॉफ होंगे, दे विल बी आइदर पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ, सम ऑफ देम मे बी सिम्बायोटिक। प्लांटी की बात करें ऑटोट्रॉफ होंगे और एनिमालिया की बात करें तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बार बार आपको कह रहा हूँ कि शरीर के अंदर भोजन को लिया जाना, इंजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको इजेस्ट आउट करना। ये समरी चार्ट होगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। और यहाँ पे एक जो कुछ इसका नाम दिया गया है कुछ इस स्पीसीज का, लेकिन इस पे हम लोग आगे वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे, राइट नाउ इसको आप ग्लॉस ओवर कर जाइए। यहाँ से फाइनली आज की जो चर्चा होगी उसका अंतिम मुद्दा यही है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। आई मस्ट टेल यू कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एलिमेंट्री स्तर पे कुछ बातचीत आपको मैं यहाँ पे बताए दे रहा हूँ। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पहली बात किन्होंने दी, तो वूज, फिलिस और कैंडलर ने इसको दिया।
अभी तक जो क्लासिफिकेशन था, जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का हमने तीन प्राइमरी बेसिस बताया। एक हमने कहा कि सेल का नेचर कैसा है, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तीसरी बात हमने कही कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इसके अलावा इकोलॉजिकल रोल या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी आपने थोड़ा फोकस में रखा। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होगा, दिस क्लासिफिकेशन इज ड्रेस्टिकली डिफरेंट सो फार एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कंसर्न। ये क्लासिफिकेशन बाकी क्लासिफिकेशन से ड्रेस्टिकली डिफरेंट है, शार्पली डिफरेंट है। किस मामले में? तो इस मामले में कि ये किस आधार, मैंने इसका बेसिस क्या है। जब आप इसके बेसिस की बात करेंगे देन यू विल फाइंड कि इसमें राइबोसोमल आरएनए जीन को हम लोग आधार बनाते हैं। राइबोसोमल आरएनए जीन को, ये जो होगा राइबोसोमल आरएनए जीन को हम लोग आधार बनाते हैं इस क्लासिफिकेशन में। देखो इतनी बात आपको पता होगी कि हमारे तमाम फीचर्स के लिए सूचना कहाँ होती है? डीएनए में होती है। और डीएनए का अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग हिस्सा, अलग अलग जीन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो काम के दृष्टिकोण से जिसे हम जीन कहेंगे, फंक्शनली जो जीन होगा केमिकल लेवल पे वही डीएनए होगा। लेकिन डीएनए एक लंबा मॉलिक्यूल है तो उसके अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग हिस्से अलग अलग जीन के रूप में काम करेंगे। यानी एक हिस्सा जिस फीचर के लिए जिम्मेवार होगा वो एक जीन हुआ, दूसरा उसका हिस्सा जिस कैरेक्टरिस्टिक या फीचर के लिए जिम्मेवार होगा वो दूसरा जीन होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लेकर के देखिएगा कि राइबोसोम को बनाने में राइबोसोमल आरएनए अलग अलग तरीके के लगते हैं। राइबोसोम को बनाने में अलग अलग तरह के राइबोसोमल आरएनए लगते हैं। तो जो अलग अलग तरह का राइबोसोमल आरएनए होगा उसके लिए भी जीन होगा। उस जीन की एक खास बात यह है कि दिस जीन आर हाईली कंजर्व्ड। हाईली कंजर्व्ड का मतलब होगा कि आप अलग अलग स्पीसीज, भले वो किसी किंगडम का हो, उसके राइबोसोमल आरएनए जीन को निकाल करके अगर आप देखें देन यू विल फाइंड कि उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। यानी किंगडम अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं लेकिन उनके राइबोसोमल आरएनए जीन के सीक्वेंस में फ़र्क बहुत मामूली है, बहुत ही कम है। तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कंजर्व्ड है, संरक्षित है, चेंजेस नहीं दिखते हैं, उसमें कोई अगर बड़ा चेंज दिखे तो इट विल बी इंडिकेटिंग इट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन। इट विल इंडिकेट अ वेरी ह्यूज, जिसे कहा जाए कि चेंज, ये बहुत बड़े चेंज की तरफ संकेत करता है। तो जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था, दिस सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन राइबोसोमल आरएनए जीन्स। और इसमें आप लेकर के देखेंगे कि एक किंगडम से भी बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन्होंने क्रिएट किया और वो कैटेगरी थी डोमेन। उसको कहेंगे कि वो क्या है, डोमेन। एंड थ्री डोमेन्स वेयर क्रिएटेड। एक जो डोमेन था दैट वाज बैक्टीरिया, दूसरा जो डोमेन था दैट वाज आर्किया, एंड थर्ड डोमेन वाज यूकैरिया। अब यहाँ पे आप लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए दो डोमेन क्रिएट किया गया है, एक बैक्टीरिया और दूसरा आर्किया। अब जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड कि बैक्टीरिया में एक ग्रुप होता है आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस को स्टडी किया जा रहा था देन इट वाज फाउंड कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उन आर्की बैक्टीरिया का राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस शार्पली डिफरेंट है जो यू बैक्टीरिया है उसके राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस से। जो यू बैक्टीरिया हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया में जो राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस है उसमें और आर्की बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस में शार्प डिफरेंस था। और ये इसी डिफरेंस के आधार पे ये कहा गया कि दो दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन बट द सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन इज सो डिफरेंट दैट दे कैनॉट बी पुट टुगेदर इन वन किंगडम। उनके राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस में इतना बड़ा फर्क है कि उनको आप एक किंगडम में नहीं रख सकते हैं। और इसी आर्गुमेंट के बेसिस पे उन्होंने दो डोमेन क्रिएट कर दिया, बैक्टीरिया और आर्किया,
और सारे यूकैरियोटिक फॉर्म के लिए जो तीसरा डोमेन था दैट वाज आर्किया, और अब इसी बेसिस पे एक नया और किंगडम क्रिएट किया गया। तो पांच किंगडम तो पहले से थे, मोनेरा वाज देयर, मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा, प्लांटियन, इमालिया, फंजाई, ये पांच तो ऑलरेडी थे, एक नया किंगडम और जोड़ दिया गया एंड दैट वाज आर्किबैक्टीरिया। ये जो नया किंगडम था, ये नया किंगडम था आर्किबैक्टीरिया, जो कि डोमेन आर्किया का मेंबर था। और इसके अलावा किंगडम यू बैक्टीरिया, मोनेरा के स्थान पे यू बैक्टीरिया आ गया, ट्रू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया एक दूसरा किंगडम हो गया, लेकिन अब मोनेरा के स्थान पे यू बैक्टीरिया वाज देयर और उसके अतिरिक्त एक आर्किबैक्टीरिया हो गया, और बाकी जो किंगडम्स थे वो एज सच है। इतनी बात सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आप ज़रूर दिमाग में रखिए। इतना तथ्य इसलिए भी दिमाग में रखना चाहिए था कि आपको ये पता रहे कि जो वर्गीकरण आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा है दैट्स नॉट द एंड, ये पूरी क्लासिफिकेशन का वो एंड नहीं है, ए लॉट ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस। लेकिन आपके लेवल पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे ही चर्चा करनी है, उसकी ऑलरेडी डिटेल मैंने कर दी, आप उसको खूब ध्यान से देखिए क्योंकि पूरी कैरिकुलम आपकी जो है, पूरी जो सिलेबस है इसी पे आधारित है। ओके, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग टैक्सोनॉमी के कुछ और मुद्दे अभी बाकी हैं उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और खूब प्यार से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।